हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका नीति लुधियाना गर्ल चैनल में। और आज जो है थर्सडे, और आज हम कर रहे हैं क्लीनिंग। दिवाली की क्लीनिंग जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आप जानते ही हो कि दिवाली में एक एक दिन एक एक रूम को लगाना पड़ता है, तो क्या कर रहे हैं, टाइम तो लग जाता है। आज ये रूम रह गया था और मेरा वाला रूम रहता था, तो हम बस क्लीनिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ बेटी के साथ, वो आपको पता ही है छोटी है तो रोने लग जाती है। और ये वॉल स्टिकर्स थे, बहुत ही अच्छे थे। ये देखिए खिलाड़ा डाल रही है, तो हस्बैंड मतलब ना ये जो भारी भारी से सामान है उसको उठा के बाहर निकाल रहे थे ताकि मैं इजिली से सफाई कर सकूँ। तो ये हमारे देखो टीवी ट्रॉली, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डस्ट थी, क्योंकि खिड़की अगर विंडो पास में हो तो डस्ट आ ही जाती है। आप जानते ही हो कि जितना मर्जी क्लीनिंग कर लो, लेकिन इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी। ये पेंट भी सारा बीच बीच में करने लग गया था। तो यही दिवाली ही एक ऐसे, वैसे तो अपने घर की डेली सफाई करनी चाहिए हमें, बट कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे तो शाम को सफाई ज़्यादा होती है, तो फिर सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो ये हमने सारा इसको क्लीन अच्छी तरह से कर दिया था। तो ये बस सारी विंडो वगैरह झाड़ रहे हैं अभी, तो कहते हैं कि चल तू काके के पास बैठ, मैं थोड़ा सा क्लीनिंग कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं करवा देती हूँ साथ में। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं करवा ही देती हूँ उनके साथ। तो मैं अच्छी तरह से फेस रैप कर रही थी, तो क्योंकि अब फेस का भी यहाँ पे पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, इतनी डस्ट उठती है। और यहाँ पे मैं हबी के साथ थोड़ी सी हेल्प करवाने लग गई, वॉल वगैरह पे जो भी डस्ट है वो सारे मैं निकाल दूँगी, और फिर इसको जल्दी जल्दी से सफाई करके फ्री भी होना था। तो मैंने सोचा कि फटाफट से सारा यहाँ पे जाले वगैरह हैं वो उतार दूँगी। और यहाँ पे हमने हस्बैंड वाइफ ने दोनों मिल के हमने सारा काम जो है वो निपटा लिया था, कुछ कुछ काम जो था, तो ताकि जल्दी से हो जाए। तो हम दोनों ने एक दूसरे की मतलब हेल्प से इतना सब कुछ कर लिया था काम। तो मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो पहले कूड़ा वगैरह बाहर निकालो, फिर हम सारा जो घर है वो वॉश कर देंगे। तो बस यही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। Thank you.
पे जहाँ पे मेरा मंदिर है उसके नीचे काफ़ी हिम पड़ा हुआ था, तो वो भी साफ़ हमने कर दिया हुआ है और रूम भी सारा मैंने क्लीन करना था तो सोचा क्लीन कर लूँ, बट ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे इस व्लॉग को शूट करने के लिए, तो मैंने बस ऐसे ही जस्ट क्लीन करा है। अभी थोड़ा बहुत इसमें काम पेंडिंग है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मुझे फर्श भी धोने थे और टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी और हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मुझे वॉश भी करना था सारा, दोनों रूम्स को अच्छी तरह से धोना था, वहाँ पर पोछा लगाना था, बहुत काम था मेरे पास, तो जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग फिर शूट नहीं किया। मैंने कहा ब्लॉग शूट करते करते कितना टाइम लग जाएगा, इससे चलो मैं फटाफट से सारा काम निपटा लेती हूँ। तो बस यही थी मेरी फिर आज की दिवाली की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग हुई थी, तो जो मैंने ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है, आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगेगा बहुत। तो क्लीनिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे मैंने कहा सोचा कि चादर तो मैंने कल ही बिछाई थी तो इसके ऊपर कोई ना कोई कपड़ा डाल देती हूँ, तो उसके लिए मैंने ये प्लास्टिक का जो बेबी का था वो मैंने बिछा दिया नीचे, क्योंकि उसका अभी यूज़ नहीं था कोई अभी तक, तो मैंने वो बिछा दिया है। और मैंने फिर दो अपने दुपट्टे लिए जो पुराने थे तो उसको भी मैंने बिछा लिया कि ऊपर डस्ट ना पड़े बिल्कुल भी, और ये मैंने दोनों दुपट्टे को मैं बिछा लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे वॉल की भी सारी क्लीनिंग करनी थी, तो बस ये था मेरा क्लीनिंग का ब्लॉग। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो लाइक ज़रूर कर देना, तो फिर अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना प्लीज़। तो मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और वहाँ पे ना देखने टाइम भी देखने आप देख ही सकते हैं कि वहाँ पे ऊपर टाइम नज़र आ रहा है 5 बज गए हैं, तो मैं एक्चुअली में मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी जिसकी वजह से मैंने आगे ज़्यादा शूट नहीं किया, ये थोड़ा बहुत ही यहाँ पे व्लॉग में शूट कर पाई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।